मध्य प्रदेश भाजपा को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश भाजपा के ये दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में शामिल। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भाजपा को लगे बड़े झटके के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, कई पदाधिकारी कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेजी से जारी है। दोनों दल एक दूसरे के नेताओं कार्यकर्ताओं को तोड़ने में जुटे हुए हैं। बीते दिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बड़ी मल्हारा विधानसभा से विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी को पार्टी में शामिल कर ली, कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। और अब कांग्रेस ने जैतपुर व बिजवार के कई बीजेपी पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कर बदला ले लिया है। संभावना है कि आगे आने वाले दिनों में कई नेता दल बदल सकते हैं। हाल ही में ग्वालियर चंबल में महासदस्यता अभियान चलाकर बीजेपी ने 76,000 सदस्यों को जोड़ने का दावा किया था। इसकी जानकारी खुद एमपी कांग्रेस ने ट्वीट के माध्यम से दी थी। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि उपचुनाव के पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कई बीजेपी पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में छतरपुर जिले के जैतपुर व बिजवार के कई बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। मध्य प्रदेश बचाने के इस महाअभियान में सभी का स्वागत है। दोस्तों नोडल और सहायक नोडल अधिकारी उपचुनाव की तैयारी करें। दोस्तों कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि उपचुनाव द्वारा आने वाले दिनों में उप निर्वाचन की घोषणा की जाएगी, इसलिए सभी नोडल और सहायक नोडल अधिकारी उपचुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सिंह ने मतदाता जागरूकता अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को शामिल करने, कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार उपचुनाव की सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बड़ा मल्हारा एसडीएम से रिटर्निंग अधिकारी नाथुराम गौड़ को सभी मतदाता केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर सभी जरूरी व मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसके लिए दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के साथ ही एमपी के उपचुनाव करवाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में चुनाव करवाए जा सकते हैं, वहीं सितंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने में जुटी है तो कांग्रेस वापसी की रणनीति बना रही है। ऐसे में चुनाव बेहद रोचक और कड़ी टक्करदार होने वाले हैं।